नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर वास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज ज्योति। आपका स्वागत है दोस्तों। हम कार्यक्रम लेके आए हैं ताल ठोक के। हम मौजूद है अंबेडकर नगर जनपद के कटहरी विधानसभा में। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बीते दिनों सपा छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के लालजी वर्मा की देहत करीबी कमल कुमार बिल्लू वर्मा जी। दोस्तों, यह सवाल पूरे जनपद में गूंज रहा है कि एक एक कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के करीबी क्यों भाजपा छोड़ रहे हैं। यह सवाल उठना लाजमी थी। निश्चित तौर से इन सवालों के जवाब हम लेने के लिए आज पहुंचे हैं कटरी विधानसभा क्षेत्र के एनटीपीसी के पास। सीधे चलते हैं ज्वलंत मुद्दों के सवालों के लिए कमल कुमार बिल्लू वर्मा जी के पास। बिल्लू वर्मा जी, आपका टीवी 7 में स्वागत है। बड़े सवाल गूंज रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी रहे, वर्तमान में जो है बेहद करीबी रहे। क्या कारण ऐसा हुआ कि आप सपा को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिए? समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांत से हट चुकी है, पूंजीवादियों के इशारे पर काम कर रही थी, इसलिए जो है हम समाजवादी पार्टी छोड़ दिए जी। क्या लगता है इसमें भविष्य आपके समर्थकों का उज्जवल होगा? और अपने समर्थकों से हम राय लिए जो है कहाँ अच्छा रहेगा, तब सबकी राय मिली कि भाजपा में चलिए, तो भाजपा में चले गए। ये बड़ा सवाल है। इन दिनों आप भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क है भाजपा प्रत्याशी के लिए रखित पांडे, कैसा समर्थन मिल रहा है? ये है जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। किन मुद्दों पर लोग एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी को चुनाव मैदान में? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग लालायित हैं, जनता लालायित है, उनके कार्यों से जनता खुश है। मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, क्या आप उन लोगों को मोदी सरकार के लिए समर्थन, भाजपा के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रहे, क्या क्या उनको बताना पड़ रहा है? भाजपा प्रत्याशी को अपार समर्थन मिल रहा है, तो मोदी जी की देन है। भाजपा प्रत्याशी जो आपके वर्तमान में, क्यों उनको मतदाता दे? क्या कारण है कि 5 साल में उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने विकास जिले का नहीं किया? क्यों नहीं विकास किए? क्या विपक्ष में रहते हुए हर वक्त लोकसभा में अपना बात उठाए रितेश पांडे जी? नवयोग प्रत्याशी है हमारे, कोई मुकदमा नहीं आज तक जी। क्या महंगाई को लेकर कभी प्रचार के दौरान लोगों ने सवाल आपसे पूछा कि महंगाई है मोदी सरकार? महंगाई तो बढ़ती रहती है समय के हिसाब से, महंगाई बैठी थोड़ी रहेगी भाई। 10 साल पहले कितना वेतन मिल रहा था? 10 साल पहले ज्यादा 20-25 हजार अध्यापकों को वेतन रहा होगा, आज पा रहे हैं लाखों में, तो उसी हिसाब से महंगाई बढ़ेगी तो जी। लोकसभा चुनाव इन दिनों प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के बीते दिनों छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले कमल कुमार बिल्लू वर्मा जी। उनका दावा है कि भाजपा प्रत्याशी को अपार समर्थन क्षेत्र में मिल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, कम शब्दों में कहने का प्रयास किया कि भाजपा अगर हमने थामा है तो हमारे समर्थकों ने अपना भविष्य देखा है, मोदी सरकार के नेतृत्व में देखा है, ऐसे में भाजपा में जाने का फैसला लिया। खैर जो भी हो, भाजपा का प्रचार प्रसार इन दिनों कटरी विधानसभा क्षेत्र सहित विभिन्न जनपदों में प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान समय में अंबेडकर नगर में ही प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं बिल्लू वर्मा जी। लंबे समय तक प्रधान अपने गांव के रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, क्षेत्र में काफी वर्चस्व माना जाता है। अब कितना फायदा भाजपा को फायदा पहुंचा पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय जिन क्षेत्रों में लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थक जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है
कि उनका जनाधार सपा का कम हो रहा है और भाजपा प्रत्याशी का ज्यादा हो रहा है। इन दिनों यही संदेश मतदाताओं के बीच जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विभिन्न पार्टियों के नेता भाजपा का दमन थामते नजर आते हैं। चुनाव रोचक हो चला है, ताल ठोक के कार्यक्रम अगले प्रतिनिधि के पास मौजूद होंगे। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। हमारे सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, हम मिलते हैं।